हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये चेरी और लीव्स बनाना। इसे मैंने नायलॉन के थ्रेड से बनाया है। चेरी के लिए मैंने ये रेड कलर का नायलॉन का थ्रेड लिया है और लीव्स के लिए ग्रीन कलर का। और नीडल नंबर हमेशा ये ज़ीरो नंबर 1.75 mm। सो पहले चेरी बना लेते हैं। फिंगर पर धागा फोल्ड कर लेंगे और नीडल की निप अपनी तरफ रखकर स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद हमें लेना है थ्री चैन। थ्री चैन लेने के बाद जो फर्स्ट चैन है उस पर हमें 12 टाइम्स डबल क्रोचेट लेना है। फर्स्ट, सेकेंड, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, और ये लास्ट 12। 12 डबल क्रोचेट लेने के बाद हमने स्टार्ट में जो थ्री चैन लिया था उसकी जो ये टू चैन्स यहाँ पर दिख रही है, ये फर्स्ट चैन पर हम अटैच कर देंगे इस तरह से। धागा लेकर बाहर आएंगे और इसमें से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें लेना है टू चैन, क्योंकि अब हम धागा फोल्ड करके कट करने वाले हैं। इस तरह से लॉक कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें चेरी के बैक साइड से ये धागा खींचकर बाहर निकालना होगा। इस तरह से हम अंदर ले लेंगे धागे को ताकि ये दिखे ना फ्रंट साइड से। और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसे भी हम इसी तरह अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद भी जो धागे दिख रहे हैं उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, ऐसी हमें एक और चेरी बनानी है जो मैंने बना के रखी है। ये देखिए, इस तरह से ये दो चेरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें बनाना है ये लीव्स। इसके लिए हम लेंगे ग्रीन कलर का थ्रेड। धागा फोल्ड कर लेंगे फिंगर पर। अब लेना है हमें स्लिप नट। इस तरह से स्लिप नट लेने के बाद ये जो चेरी का फ्रंट साइड है वहाँ से हम नीडल डालेंगे इस तरह से। अब ये जो लॉक हमने किया है उसमें हम नीडल डालेंगे इस तरह से, और ये धागे को खींचते हुए ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये ऐसे, उसके बाद अब हमें लेना है नाइन चैन्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। नाइन चैन लेने के बाद अब हमें और सेवन चैन लेनी है क्योंकि हमें लीव बनाना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सेवन चैन्स होने के बाद अब हम ये जो फर्स्ट चैन है उसे छोड़कर नेक्स्ट चैन पर स्लिप स्टिच लेंगे। स्लिप स्टिच मैंने लेना आपको बेसिक में बताया है, अगर आपको नहीं पता तो आप चेक कर लेना ऊपर। ये देखिए, इस तरह से स्लिप नट ले लिया, स्लिप चैन ले लिया। अब हमें लेना है हाफ डबल क्रोचेट।
बेसिक में मैंने आपको सारे स्टिच बताए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट गैप में हमें लेना है डबल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट गैप में हमें लेना है डबल क्रोचेट, टू टाइम्स हमें डबल क्रोचेट लेना है अलग अलग गैप में। अब हम लेंगे फिर से हाफ डबल क्रोचेट एंड लास्ट में हम फिर से लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये हमारा लीव्स कंप्लीट हो गई, ये देखिए। अब हमें लेना है फिर से सेवन चेन, क्योंकि बाजू में हमें फिर से ये वाला लीव बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन छोड़कर नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में हमें हाफ डबल क्रोचेट लेना है, फिर नेक्स्ट में हमें डबल क्रोचेट लेना है, फिर से हम नेक्स्ट गैप में डबल क्रोचेट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट गैप में हाफ डबल क्रोचेट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट गैप में स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये दोनों लीव कंप्लीट हो गए। अब हमें ये जो फर्स्ट लीव है ये वाला, उसका ये जो गैप दिख रहा है हमें जहाँ से मैंने नीडल डाला, ये देखिए ये वाला, इसमें हम स्टिच करेंगे। डायरेक्ट उसमें नीडल डालना है और धागा लेकर हमें तीनों धागों में से बाहर आ जाना है इस तरह से, ताकि ये आगे पीछे ना हो लीव, ये इस तरह से बैठी रहे दोनों। अब हमें फिर से लेना है 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टिच लेने के बाद अब हमें फिर से इसके फ्रंट साइड से नीडल डालनी है। दूसरी चेरी लेंगे हम, उसके फ्रंट साइड से नीडल डाल देंगे, इसी तरह सेम हम अटैच कर लेंगे। ये अटैच हो गया। अब हमें फिर से लेना है 2 चेन और धागा कट कर लेना है, इसे खींच कर बाहर निकाल लेंगे, लॉक कर लेंगे और बैक साइड में इसे लेकर अंदर साइड अटैच कर लेंगे, ताकि ये एक्स्ट्रा धागा फ्रंट साइड से दिखे ना। गाइज, इस चेरी को आप बच्चों के फ्रॉक पर या टोपी पर लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। या अगर आप सिर्फ बेसिक स्टिच से लेस बना रहे हैं तो उस पर भी आप ये लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई है और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और जो भी क्रोचेट लवर्स हैं उन तक भी ये शेयर ज़रूर करना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय।